इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि लैपटॉप से प्रिंटर में डॉक्यूमेंट को स्कैन कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड, हमारे पास कई सारे जो डॉक्यूमेंट होता है, जो इमेज या पैन कार्ड या आधार कार्ड होता है, किसी भी जो डॉक्यूमेंट है, वही डॉक्यूमेंट हमें लैपटॉप से प्रिंटर में स्कैन करना है तो वही आपको आसान तरीके स्कैन कर सकते हो। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जैसे आप हमारा न्यू वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले जो प्रिंटर है वही आपको लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर देना है। तो हमारा जो लैपटॉप है तो उसके साथ मैंने प्रिंटर को कनेक्ट कर दिया है, और कनेक्ट करने के बाद आपको जिस डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है वही आपको प्रिंटर में एडजस्ट कर देना है। तो इस हमारा जो इमेज है वही हमें लैपटॉप में जो स्कैन करना है प्रिंटर से, तो आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट को एडजस्ट कर देना है। और एडजस्ट करने के बाद चले मैं आगे प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो आपको इस तरह एडजस्ट करने के बाद आपको आ जाना है लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो फ्रेंड, मैंने लैपटॉप की स्क्रीन ओपन कर दिया है, और ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले जाना है कंट्रोल पैनल में। तो आपको सर्च में क्लिक कर सकते हो और आपको कंट्रोल पैनल में जाना है। तो चलो मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद चलो मैं कंट्रोल पैनल को ओपन कर देता हूँ। तो आपको इस तरह कंट्रोल पैनल को ओपन कर देना है, और कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद आपको डिवाइस एंड प्रिंटर पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं डिवाइस एंड प्रिंटर पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद उसमें कई सारे डिवाइस आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो लैपटॉप में प्रिंटर कनेक्ट किया है तो वही आपको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको माउस से राइट साइड क्लिक करना है। तो इस हमारे जो HP लेजर का प्रिंटर मैंने कनेक्ट किया है तो उसमें मैं माउस से राइट साइड क्लिक कर देता हूँ। तो आपको इस तरह राइट साइड क्लिक करना है, राइट साइड क्लिक करने के बाद आपको स्टार्ट स्कैन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं स्टार्ट स्कैन पे क्लिक करता हूँ, तो उसमें आपको कई सारे जो ऑप्शन है वही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो प्रिंटर है वही आपने जो कनेक्ट किया है वही आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उसमें आपको चेंज भी कर सकते हो। और जो आगे ऑप्शन है कलर फॉर्मेट है, वही आपको किस हिसाब से उसमें कलर फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। जो आपको ब्लैंक एंड वाइट में रखना है तो वही आपको कलर फॉर्मेट में जाके सेट कर सकते हो। तो इस तरह आपको कई सारे जो ऑप्शन है वही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलो मैं कलर पे क्लिक करता हूँ, तो आपको इस तरह ब्लैंक एंड वाइट पे कर सकते हो। तो चलो मैंने कलर को सिलेक्ट कर दिया है, और आपको जो फाइल टाइप है तो वही आपको JPG उसमें सिलेक्ट कर सकते हो। जो आपका फाइल PDF है तो वही आपको PDF को रख सकते हो। तो इस तरह आपको रेजोल्यूशन होता है जो डॉट पर इंच है, वही आपको जितना रेजोल्यूशन हाई रखना है, जो कम रखना है वही आपके हिसाब से उसमें सिलेक्ट कर सकते हो। जो आगे ऑप्शन है ब्राइटनेस, जो ज़्यादा लाइट को कम करना है आपके हिसाब से उसमें जितना रखना है वही आपको सिलेक्ट कर सकते हो। और सिलेक्ट करने के बाद आपको जो प्रीव्यू का ऑप्शन है तो आपको प्रीव्यू का ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि हमारा किस तरह डॉक्यूमेंट को स्कैन हो रहा है। तो चलो मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, और प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपका जो प्रिंटर में आपने जो डॉक्यूमेंट स्कैन किया है वही आपका लैपटॉप में इस तरह स्कैन हो जाएगा। तो इस हमारा जो इमेज मैंने रखा है प्रिंटर में वही हमारा लैपटॉप पे स्कैन हो रहा है। तो चले उसको हम स्कैन होने देते हैं, और स्कैन होने के बाद चले मैं आगे प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड, इस हमारा जो इमेज था वही हमारा स्कैन हो गया है। तो आपके इस तरह किसी भी जो डॉक्यूमेंट है वही आपको इस तरह देखने को मिल जाएंगे। तो वही आपको जो क्रॉप करना है तो वही आपको क्रॉप पे कर सकते हो, और क्रॉप करने के बाद आपको स्कैन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए इस हमारा जो इमेज है उसको मैं क्रॉप कर देता हूँ। तो आपको जितना रखना है, जितना आपको स्कैन करना है इतना आपको सिलेक्ट करके आपको स्कैन कर सकते हो। तो चलो, मैंने इस तरह इमेज है वही मैंने क्रॉप कर दिया है। तो आपको किसी भी जो डॉक्यूमेंट होता है वही आपको इस तरह क्रॉप पे कर सकते हो, और क्रॉप करने के बाद आपको स्कैन पे क्लिक कर देना है। तो चलो मैं स्कैन पे क्लिक कर देता हूँ, तो इस हमारा जो इमेज है वही हमारा स्कैन हो जाएगा। तो आपको फ्रेंड इस तरह स्कैन पे क्लिक कर देना है। तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा लैपटॉप में जो इस इमेज है वही हमारा स्कैन हो रहा है प्रिंटर से। तो आपको इस तरह किसी भी जो डॉक्यूमेंट है वही आपको स्कैन करना है तो वही आपको आसान तरीके स्कैन कर सकते हो। और स्कैन होने के बाद आपको जो इम्पोर्ट पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको एंटर नाम टाइप करना है। तो आपको इमेज का किसी भी नाम टाइप कर सकते हो। तो
चलो मैं एंटर पे क्लिक करके पीसी नाम टाइप कर देता हूँ। तो आपको इस तरह किसी भी नाम टाइप करके आपको जो इनपुट है तो आपको इनपुट पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद जो लैपटॉप है तो इस लैपटॉप में हमारा इमेज है वही हमारा डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि हमारा डॉक्यूमेंट था जो इमेज है वही हमारा स्कैन हो गया है। तो फ्रेंड आपको इस तरह जो लैपटॉप से प्रिंटर में किसी भी जो डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है तो वही आपको आसान तरीके से स्कैन कर सकते हो। कई सारे हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होता है पैन कार्ड आधार कार्ड जो इमेज है वही आपको स्कैन करना है लैपटॉप से प्रिंटर में तो इस तरह आपको आसान तरीके कर सकते हो। तो फ्रेंड इस हमारा जो इमेज है वही हमारा आसान तरीके उसमें स्कैन हो गया है। तो आपको किसी भी जो डॉक्यूमेंट है वही आपको स्कैन करना है तो आपको इस तरह सभी प्रोसेस करके आपको स्कैन कर सकते हो। तो फ्रेंड जो सभी प्रोसेस था तो इस प्रोसेस में आपको कम्प्लीट स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि लैपटॉप से प्रिंटर में डॉक्यूमेंट को स्कैन कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।